हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशक इस वक्त कितने परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी इनकी इकाई है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सहारा के निवेशकों को परेशान किया जा रहा है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे रिलेटेड हमारे पास जो इस वक्त न्यूज़ आई है वो कटनी से है। सहारा इंडिया में फंसे सैकड़ों जमाकर्ताओं के लाखों रुपए, पूरी खबर सहारा इंडिया कटनी। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शहर के सैकड़ों जमाकर्ताओं के लाखों रुपये फंसा हुआ है। राशि के भुगतान के लिए जमाकर्ताओं और ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जमाकर्ता लगभग सैकड़ों की तादाद में ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सहारा कार्यालय में न तो किसी की कोई सुनवाई हो रही है, न किसी को संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना इस वक्त सहारा की ऐसी इकाई पर है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस पर कोई से विभाग का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, और यहाँ पर निवेशकों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये दोस्तों देखते हैं आगे क्या खबर है। कलेक्ट्रेट ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक को भेजा नोटिस। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को राशि भुगतान में हो रही है परेशानियां को लेकर कलेक्ट्रेट शशि भूषण सिंह ने संज्ञान लिया है। कलेक्ट्रेट के प्रयासों में 494 हितग्रस्तियों में से 153 हितग्रहणियों को जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन 341 हितग्राही अभी तक जमा राशि के भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इतने ग्राहक, इनके 341 ग्राहक अभी तक भटक रहे हैं। ये पूरी कटनी शहर की एक ब्रांच की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। आगे खबर है कि सहारा इंडिया, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट एवं जिला दंड अधिकारी शशि भूषण सिंह ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ के प्रबंधक निदेशक एवं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कटनी के सेक्टर प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस सूचना पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कटनी जिले में संचालित मुख्य कार्यालय सहित अन्य ब्रांचों में आम जनता द्वारा जमा की गई राशि का परिपक्वता तिथि के बाद भी भुगतान नहीं करने की शिकायतें पर संबंधित अधिकारियों को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिया गया था, जिसमें अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक या दोस्तों 2019 से लेकर और अभी तक यहाँ पर भुगतान लेने के लिए निवेशक परेशान हैं। और उनकी परेशानियों को देखते हुए दोस्तों ऐसा लगता है कि निवेशकों का पैसा मिलना बहुत टेढ़ी खीर बन गई है। तो दोस्तों पूरी खबर यह है कि कलेक्ट्रेट एवं जिला दंड अधिकारी शशि भूषण सिंह द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एवं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कटनी के सेक्टर प्रबंधक खाता धारकों की राशि का भुगतान करने के लिए 16 बार पत्र जारी किए थे, लेकिन एक पत्र का भी जवाब नहीं दिया गया। बताया जाता है कलेक्ट्रेट ने 2 दिसंबर 2019, 6 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019 और 13 दिसंबर 2019, 24 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020, 8 जनवरी 2020, 9 जनवरी 2020, 15 जनवरी 2020 और 22 जनवरी 2020 और 1 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी, 29 फरवरी और एवं 2 मार्च को पत्र जारी करते हुए जमाकर्ता की राशि का भुगतान करने के लिए कहा। आगे खबर है कि सहारा इंडिया, इसको भेजे गए नोटिस की प्रतिलिपि। बताया जाता है कि कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किए गए नोटिस की प्रतिलिपि आयुक्त संस्थागत वित्त मध्य प्रदेश शासक विंध्याचल भवन भोपाल, आयुक्त सहकारिता व पंजीकृत सहकारिता समिति भोपाल, केंद्रीय पंजीकृत एवं संयुक्त सचिव कृषि व सहकारिता नई दिल्ली, प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी प्रतिपेषण विभाग भोपाल, निदेशक भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड इंदौर एवं सहायक आयुक्त सहकारिता व सहायक पंजीकृत सहकारी संस्था कटनी को सूचनार्थ भेजी गई। आगे खबर है कि सहारा इंडिया अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। संस्थागत वित्त संचालन के जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। अधिकृत वित्तीय संस्थाओं के बारे में प्रदेश की जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सिक्योरिटी बोर्ड
बोर्ड ऑफ इंडिया से भी राष्ट्रीय आवास NSB सहित राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, राज्य के सहकारी बैंक, बहुप्रदेशीय सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ ही बीमा नियामक एवं विकास अभिकरण IRDAI द्वारा जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत स्थापनाओं की सूची वेबसाइट पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है कि इतनी सब कुछ होने के बाद भी निवेशकों का पैसा नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों अगर इसी तरह की खबर आपको पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ। धन्यवाद।